तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड 3 5G मोबाइल में व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो अभी हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है, लेकिन दोस्तों लाइव प्रूफ यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा के दिखाऊंगा। और दोस्तों आपके सिवा आपका व्हाट्सएप कोई भी यूज नहीं कर पाएगा दोस्तों, जब तक कि आप उसमें अपना फिंगर टच नहीं करोगे। तो दोस्तों व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है। फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के बाद आपको यहाँ से अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, तो सबसे नीचे आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनलॉक विद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसके सामने टिक रहेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कन्फर्म कर लेना है। फिंगर सेंसर में आपको अपना फिंगर टच करना है, टच करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। अब दोस्तों आपके व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपके व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ से ये रहा व्हाट्सएप, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। अब जब तक फिंगर सेंसर में फिंगर नहीं टच करेंगे तब तक दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे फिंगर सेंसर में फिंगर टच कर देंगे तो हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप वन प्लस नॉर्ड 3 5G मोबाइल में व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।